जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग विद जनरेशन अल्फा। क्या ही है जनरेशन अल्फा, क्यों एक्टिव लिसनिंग की जरूरत पड़ी? कम्युनिकेशन स्किल्स तो खैर हर एक के लिए जरूरत है, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं कि अगर नहीं होती तो चैलेंजेस आ जाते हैं? व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन से डोमेन्स आते हैं एक्टिव लिसनिंग के अंदर, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और जनरेशन को हम समझे कैसे, क्योंकि एक्स वाई जेड जनरेशन के बारे में तो सुना था, शायद आप में से कुछ लोगों ने जनरेशन अल्फा के बारे में भी सुना होगा। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन आपका जितना सब मुझे प्यार मिल रहा है ना, अब प्लीज हेल्प मी, मतलब अपने चैनल को हेल्प करिए कि ताकि हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। मैं बहुत एफर्ट लेके, बहुत पढ़ाई करके, रिसर्च करके मैं राइट कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि उससे कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो मेरा एम यही है आपने ये चैनल पर, आई बिग वंडर पर, कि आई शुड बी हेल्पिंग आर एजुकेटर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, द एजुकेशन डोमेन ऑल टुगेदर। तो आप सबका प्यार तो बहुत मिल ही रहा है, बस थोड़ा सा और मोटिवेशन दे दीजिए, दैट इज इट। तो आज की वीडियो की बातचीत शुरू करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहेंगे कि जिनके ऊपर मैं रिसर्च करके या आपके लिए अच्छे वीडियोज बनाऊं। देखिए, जब भी किसी जनरेशन को कोई टाइटल मिलता है ना, जनरेशन एक्स, वाई, जेड या अल्फा, बेसिकली दे आर डिस्क्रिप्टिव लेबल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने अपना एक एरा क्रिएट किया और उस बात, उस टाइम को पिन करने के लिए हमने इनको एक नाम दे दिया। तो जनरेशन अल्फा एक होल न्यू मिलेनियम में पैदा हुई और टेक्नोलॉजी के साथ ही बहुत कंफर्टेबल है। कौन से एज में पैदा हुई क्या, मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए, सन 2010 के अर्ली बिगिनिंग में जनरेशन अल्फा का जन्म हुआ, राइट? और कितनी किसी एक जनरेशन की लाइफ साइकिल होती है वो भी अभी बताती हूँ आपको। लेकिन यहां पर खास दो तीन चीजें हुई, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आईपैड का लॉन्च, इंस्टाग्राम का आना, यस आपने लिंक बना लिया बिल्कुल, क्योंकि ये जनरेशन अब फेसबुक से कंफर्टेबल नहीं है। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद इंस्टाग्राम, दे वेरी कंफर्टेबल विद यूट्यूब, दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद टेक्नोलॉजी। फेसबुक पुरानी जनरेशन यूज करती है, ऐसा इनका मानना है। नॉर्मली जब कोई एक जनरेशन होती है ना, सो दे आर फॉर 15 ईयर्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली। तो एनईपी के साथ इसको लिंक करें तो जब एनईपी का पहला माइलस्टोन आ रहा होगा 2025 में, दैट इज द टाइम व्हेन जनरेशन अल्फा के बाद का टाइम पीरियड के बाद दूसरी कोई जनरेशन पैदा हो रही होगी या उसको एक नया लेबल उस वक्त मिलने वाला होगा, जो प्रोसेस स्टार्ट होगी। पर आज अपनी वीडियो में उसकी बात हम नहीं करेंगे, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें इस टाइम स्पैन के अंदर होती है। और थोड़ा समझ के देखें, जो बच्चे का एक स्कूल का लाइफ टाइम होता है ना साइकिल, दैट इज ऑल्सो बिटवीन 12 to 15 ईयर्स, जब तक बच्चे एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं स्कूल से अंदर। देखिए, ये जनरेशन जब अल्फा पैदा हुई तो इन्होंने दुनिया को अपने लेंस से देखना शुरू किया, और खास तौर पे जो बच्चे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हैं या थे या इस एरा के अंदर हैं, उन्होंने एक डेकेड आगे का प्लानिंग करी। उन्होंने कहा, यू नो, द एजुकेशन विच वी आर डूइंग, हम जो कर रहे हैं, उन्होंने समझना शुरू किया उस चीज को। तो हमें खाली जॉब ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें प्लानिंग करनी है कि यू नो हाउ हमारी लाइफ स्किल्स और हमारी स्किल्स पर हमें वर्क करना है। और अगर आप देखें तो पूरी की पूरी बातचीत अब स्किल्स के आसपास होने लगी है। सो यू नो द अलोंग विद द जनरेशन लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, कुछ नया ऐसा कि यस दिस इज हैपनिंग। तो आप मैच करके देखिएगा जो चीजें, जो आप बच्चे आपके आसपास हैं उनके साथ साथ। इन बच्चों ने अपने यंगस्टर्स को भी बहुत इन्फ्लुएंस करा है, जो इनके बाद पैदा हुए हैं, काफी इन्फ्लुएंस करा है। और टेक्नोलॉजी से दे आर वेरी कंफर्टेबल। 21st सेंचुरी में पैदा होने वाले मिलेनियल्स जितने भी बच्चे थे वो भी बहुत कंफर्टेबल थे, पर ये तो कहते हैं सुपर कंफर्टेबल। सो दे आर नॉट स्केयर्ड, दे आर रेडी टू टेक रिस्क। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करने से, राइट? एंड दैट इज वाई एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ काफी रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। देखिए, एक ह्यूगो पॉवेल हुए एक स्कॉलर, और उन्होंने एक बात कही कि लिसनिंग का मतलब है somebody is, you're trying to give respect to somebody, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं। बट इफ यू डोंट लिसन, मतलब जो स्पीकर है, माने हम पेरेंट्स या टीचर्स या एजुकेटर्स, अगर हम इन बच्चों की लिसनर की बात नहीं सुने, जब वो लिसन कर रहे हैं, जब वो भी तो बोलते हैं ना, सो व्हाट हैपेंस, दे फील दे आर डिसरिस्पेक्टेड, दे फील दैट नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू देम, दे फील दे आर बीइंग मिसअंडरस्टूड, और यहां पर दे हैव अ लॉट ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट। और अगर ये बात बढ़ जाए ना, दे गिव वर्ड्स टू इट। मैं कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में ना एक साइकिल, सर्कल के साथ या वेन डायग्राम के साथ, जो आपको दिख भी रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि कम्युनिकेशन के अंदर कम से कम तीन चीजें होती हैं, वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज।
मैंने एक पहले वीडियो में कहा था ना कि शब्द शब्द शब्द, नेता बोले तो शब्द, अभिनेता बोले तो शब्द, और हम अपने आसपास देखें तो शब्द, बस वही बात है। लेकिन इतने से शब्दों का अगर आप देखें तो शब्द का कॉन्टेंट, शब्द इज ओनली कॉन्टेंट 10%, किस तरीके से उसको कहा जा रहा है, किस टोन में पहुंचाया जा रहा है, सारी चीजें यही हैं। सो दैट इज दो प्लस 2% माइनस 2% कर लीजिएगा समझने के लिए, ऐसे कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। सो देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द एंटायर कम्युनिकेशन साइकिल। वही बात को हम किसी को कहते हैं उनको बुरा नहीं लगता, वही बात अलग ढंग से कहते हैं बुरा लग जाता है। अच्छा, गुड लिसनर होने का फायदा क्या है? मतलब जब हम किसी की बात सुन रहे हो, एक तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, दूसरे को लगता है आप उसकी केयर और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी जैसे बताया है ना। अगर हम समझ के देखें तो लिसनिंग कम से कम चार तरह की होती है, देयर फोर काइंड ऑफ लिसनिंग। कौन कौन सी लिसनिंग है? आज हम जिसकी बात करेंगे वो भी हम आपने एक्टिव लिसनिंग देख लिया, इनएक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग आपको दिख रहा है, एक्टिव लिसनिंग और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। इन सारों पर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बातचीत करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पर आज हम जिस पॉइंट पर हैं उसी पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए, लिसनिंग इफेक्टिवली से जब आप करें तो ये दो तीन चीजें जरूर करें। क्या? राइट टोन का यूज करें, थोड़ा सा स्माइल रखें फेस पर, कंफर्टेबल रहें, दूसरे की कम्युनिकेशन भी समझें। इसीलिए आजकल एजुकेशन में लेसन प्लानिंग के अंदर हम लोग कहते हैं विद द टीचर्स दैट आप कौन सा टाइम दे रहे हैं ताकि दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड बैक। वो टाइम की भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फीडबैक दें लेकिन नॉन जजमेंटल होना चाहिए, एंड यू शुड बी एम्पैथेटिक। गलती किसी से क्यों नहीं होती है? देखिए, लिसनिंग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि अगर कोई बात आपकी शांति से आराम से साइलेंट होकर सुन रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था आप देख लीजिएगा, राइट, तो देन द लिसनिंग इज हैपनिंग, अदरवाइज इट इज मेयरली अ हियरिंग, बस सुन रहे हैं पर से, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज इट। चलिए, एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या हुआ कि लिसनर ने आपकी बात ध्यान से सुनी और थॉटफुल रिस्पॉन्स दिया। तो बात है रिस्पॉन्स की नहीं, बात है थॉटफुल रिस्पॉन्स की, कि आपको भी बुरा ना लग जाए, आप उनकी बात समझे वापस। लिसनिंग के अंदर, एक्टिव लिसनिंग के अंदर तीन मोटे मोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंड मतलब आप जो कह रहे हैं वो उसी तरीके से समझे जैसा आप कहना चाह रहे हैं, मतलब आपने कहा कुछ उन्होंने चिपका अपने ऊपर लिया कि मैं मुझे ऐसा कहा था, ना दैट इज नॉट। अनदर थिंग इज रिटेन करें, उसमें से जो लर्निंग है या जो बात आप चाहते हैं वो रिटेन करें, एंड थॉटफुली रिस्पॉन्ड करें। तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना, मतलब ये कॉम्पोनेंट्स हैं एक्टिव लिसनिंग के। अच्छा, लेकिन एक्टिव लिसनिंग को मैंने कुछ ऐसा भी समझाने की कोशिश करी कि थ्री एज ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या है, बहुत सिंपल है, अटेंशन, एटीट्यूड एंड एडजस्टमेंट। बहुत सिंपल, समझ ली? देखिए, अटेंशन का मतलब है, कई बार आपको ऐसा लगता है ये जनरेशन यूट्यूब पसंद करती है पर दो मिनट का वीडियो भी रेस्टलेसली नहीं देख, मतलब बैठ के रेस्टलेस हो जाते हैं, बैठ के नहीं देख पाते, 1.5 2x 3x पर देखते हैं, है ना, ताकि जल्दी जल्दी देख लें, खत्म हो, देख तो रहे, समझ तो रहे, कुछ ना कुछ करने के लिए। यस, सो यू नो लिसनिंग पेज अ मेजर अटेंशन, फटाफट सुनकर वो बहुत सारी चीजें शायद कंज्यूम करना चाहते हैं, बहुत सारी, राइट। एटीट्यूड इज कि अगर नॉन वर्बल क्यूज गड़बड़ है, अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, दिस जनरेशन इज नॉट गोइंग टू लिसन, और बहुत चैलेंज आने वाला है। और एडजस्टमेंट का मतलब फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, किसी व्यक्ति ने एक बार गलती कर दी और आप वो मन में फिक्स कर ले कि ये तो, देन आई मीन यू कैन नॉट हैव बायसेस व्हाइल लिसनिंग, गलती किससे नहीं होती है, राइट। ये मैंने पहले भी जैसे बताया, जब कोई अपना मतलब लिसनिंग के साथ साथ अपना दिमाग यूज करते हैं तो कब यूज करेंगे, जब उन्हें आप पसंद आ रहे होंगे, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो वो एक्यूरेसी के लिए लिसन करेंगे, वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो जो गलतियां हैं उनको भी बताएंगे और आपको वापस सही ढंग से बता देंगे। एक्टिव लिसनिंग के अंदर बैरियर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखना, राइट, पर्सनल सिचुएशन कभी गड़बड़ हुई हुई है, बहुत इमोशनल अपसेट हुए हुए हैं, ये सारी चीजें, या कोई रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई हुई है, ये सारी चीजें बैरियर्स हैं। और अगर नॉइज है आसपास, बहुत मूवमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तभी भी कोई कम्युनिकेशन लिसनिंग नहीं कर पाएंगे, उनका तो पूरा टाइम डिस्ट्रैक्शन रहेगा। और मेंटल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल हेल्थ की हम लोग बात करते हैं ना इस जनरेशन में, सो मेंटल डिस्ट्रैक्शन में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, डर, वरी, एंगर, देख रहे हैं आप सारे पॉइंट्स, और पुअर सेल्फ एस्टीम, राइट। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि किसी की भी एस्टीम को वी डोंट हैव टू एक्चुअली हिट ऑन दैट, राइट, उसको हेल्प करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या करें एक्टिव लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपने क्लासरूम्स में, अपने घर में? तो जब भी आप पढ़ाई करवा रहे हो, ट्राई टू ब्रिंग सम ह्यूमर। और जब मैं ह्यूमर कहती हूँ ना, मैं हा 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 की बात नहीं कर रही हूं, मैं बस कह रही हूं आहा,
अगर आप चाहते हैं मैं ह्यूमर इन क्लासरूम्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई श्योरली मेक अ वीडियो राइट। एंड ग्रुप डिस्कशंस करें, जैसे मैंने पहले बोला कोई बायस नहीं रखें माइंड में। ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी अपने वीडियो में डिस्कस करे, आप चाहें तो पीछे जाकर भी देख सकते हैं और फिर कोई आपके मन में हो तो मुझे बताइएगा। देखिए आज हमने अपने वीडियो के अंदर जनरेशन अल्फा, वेरियस जनरेशंस, कब वो पैदा होते हैं, क्या लाइफ साइकिल होता है, क्यों एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, क्या चैलेंजेस हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करी। बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, आप इसको अपने रेगुलर क्लासरूम्स के अंदर, वर्क प्लेसेस के अंदर, घर पे अंदर आप इसको यूज करें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कॉमेंट जरूर छोड़िएगा। आज के लिए जय हिंद।